हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्योति वल्दिया ब्लॉग। सो गाइस, आज मैं कर रही हूँ अनबॉक्सिंग जो कि है इस स्टैंड की, जो मैंने अमेजोन से परचेज़ किया है और जिसका प्राइस है 1200 रुपीज़। तो मैं इसका आपको एक रिव्यू दूंगी। और ये टेंट वैसे पिकनिक और हाइकिंग एंड ट्रैकिंग के लिए भी यूज़ होता है, बट हमने ऐसे ही अपने जो मेरा नेफ्यू है उसके जिससे मंगाया है, क्योंकि हम अब ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं तो हमने सोचा कि एक टेंट लेते हैं। तो मैं इसका रिव्यू दूँगी आपको। और इस टाइप से इसका जो ये कवर इस टाइप से है, इसके बाहर से भी एक और कार्डबोर्ड था, बट जब हमने ये परचेज़ किया था तो डिलीवरी बॉय के सामने चेक करा तो वो फेंक दिया हमने। और ये इस टाइप से कवर है इसका, काफ़ी अच्छी पैकिंग है। और इसके अंदर हमें जो चीज़ें मिल रखी वो है इस टाइप से टैंक्स हैं और ये स्टिक्स हैं जो यूज़ होगी इसको ज्वाइन करने में। और एक और चीज़ है जो कि इस टाइप से, ये आई थिंक जो गाड़ते हैं जो ज़मीन में उस टाइप से है। तो ये तो अभी घर में तो यूज़ होगी नहीं, ये बाहर जब पैकिंग में आप कहीं जाएंगे तब ये यूज़ हो सकती है। तो चलिए फिर मैं आपको अब टेंट लगा के दिखाती हूँ और किस टाइप से देखते हैं हम भी। मैंने जो आगे पिक मेंशन की है उसी में इस टेंट की इंस्ट्रक्शन है कि किस टाइप से बनाना है। और ये आपको जो कवर है, जो फ्रंट में कवर था उसकी साइड में है, सो आप इस वहाँ से देख सकते हैं। और जिसको समझ नहीं आ रहा मैं उसको बताऊंगी कि किस टाइप से आपको लगाना है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस इस टेंट का जो टेंट दिया है आपको उसको फ्लोर में बिछा देना है और जो उसका सेंटर पार्ट है उसको आप देख लेना, क्योंकि उससे ही आपको समझ में आएगा। जो सेंटर पार्ट है उसी के हिसाब से आपको बिछाना है पूरा वो फ्लोर में। और आपको एक स्टिक पकड़नी है, क्योंकि ये ब्लू लाइन दिख रही है आपको, उसके अंदर से डालते हुए लेके जाना है, जो कि आपको सिर्फ उसी की लाइन में लेके जाना है। और एक क्रॉस टाइप का बनाना है, एक स्टिक से इस साइड से और एक स्टिक से उस साइड से, जिससे कि क्रॉस बन जाए। सो टेंट इस टाइप से लगाना है। अकेले के टाइम में तो बहुत ज़्यादा यहाँ टफ पड़ रहा था, क्योंकि अकेले में क्या होता है, एक तो इसकी स्टिक जो है वो काफ़ी लंबी है और जो इसका जो कपड़ा है, मटेरियल है, वो है पॉलिस्टर, सो थोड़ा लेट हो रहा था इसको लगाने में। मेरा नेफ्यू है जो ये कैमरे के आगे आगे है, ये खाली ऐसे बोलने था जिससे कि मैंने इसको म्यूट कर रखा है, क्योंकि ये बहुत शैतान है, इसलिए इसको बहुत काफ़ी मज़ा आ रहा था मेरा चैनल में आने के लिए और शैतानी करने में। सो गाइस, और ना और आप चैनल पे सबसे लाइक कर देना, मैं मतलब बाय बाय। हाय चैनल, वेलकम टू माय गाइस। आज मैं एक नया वीडियो बनाने जा रहा हूँ, प्लीज लाइक शेयर एंड शुक्रपारा। इस टाइप से टेंट है, फिर मैं इसको अपनी जो नीचे रूम में उसको लेके गई यहाँ पे, क्योंकि ऐसा हो रहा था ना कि टेरिस में इसका साइज का पता नहीं चल रहा था, तो इसलिए मैं इसको रूम में लेके आई। और आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी बड़ा लग रहा है रूम में, साइज में तो बड़ा लग ही रहा है, बट रूम में ज़्यादा आइडिया आ रहा था इसके साइज का, तो ये इस टाइप से लग रहा था। सो गाइस, ये है कुछ इस टाइप से टेंट। गाइस, इस टाइप से है ये टेंट, काफ़ी बड़ा है और अच्छा भी है, क्वालिटी तो आप देख सकते हैं, ये पॉलिस्टर पे है इस टाइप से। ये है, ये इसका फ्रंट है और इसमें एक और चैन है,
अगर आप इसको ओपन करेंगे तो इसके अंदर स्टेफी नेट है, क्योंकि आपको मॉस्किटो या और इंसेक्ट से बचा सकने के लिए है। इस टाइप से है, क्वालिटी इसकी अच्छी है। अगर आप देख सकते हैं स्पेस तो है ही काफ़ी, बच्चों के लिए ही काफ़ी अच्छा है खेलने के लिए, बड़ों के लिए भी अच्छा है। इसके अंदर स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, आप देख सकते हैं, और काफ़ी सही है। सही है ना गौरी? इसका हॉनेस्टी रिव्यू मेरा नेफ्यू देगा। गौरी कैसा लगा आपको टेंट? काफ़ी अच्छा है। और क्वालिटी कैसी है इसकी? अच्छी अच्छी है। आपको पसंद आए? हाँ, तो इसने को तो बहुत पसंद आया। तो आप देख सकते हैं इस टाइप से, ये है 1200 का। और ये देखो गाइस, ये ब्लैक चद्दर है, और यहाँ से मॉक्स की यहाँ से कीड़े भी नहीं आ पाएंगे दोस्तों। वाओ, वेरी अमेजिंग। समझ गए ना? तो इस टाइप से ये है इसकी क्वालिटी, और आपको देखना छत तो दिखा लो। हाँ, इसकी छत इस टाइप से है। और अगर आपको ये आप सोच रहे हैं ऐसा किसी ट्रैकिंग में या पिकनिक में जाने के लिए, सो ये टेंट आपको लेना चाहिए, जो कि काफ़ी सही है, और ये वाटरप्रूफ भी है। वाटरमेलन नहीं, वाटरप्रूफ। सो गाइस, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। सो इसमें तो बोल रहे थे कि दो लोगों के लिए है टेंट, और दो लोगों के लिए सफिशेंट है ही। सो आप अगर सोच रहे हैं किसी कैंपिंग में, ट्रैकिंग में या पिकनिक स्पॉट में जाने की, और आप टेंट देख रहे हैं, तो आप एक बार ज़रूर ये ट्राई करें, क्योंकि मुझे तो ये काफ़ी पसंद आया। मुझे और भी पसंद आया, इसे भी काफ़ी पसंद आया। सो आप देखिए, और अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, और इसका जो लिंक है वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है। सो गाइज, आज का मैं ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, और मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग, सपोर्टिंग, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू, बाय बाय। बाय करो गाइज। बाय बाय।